रविंद्र जी, यहाँ से बात करें अगर एडिबल ऑयल पैक की, तो सरसों की भी एमएसपी बढ़ती हुई नजर आई है। इस वक्त देख रहे हैं कि 8663 पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। हालांकि सरसों की कीमतों में अभी आधे फीसदी की तेजी बनती हुई नजर आई है। और बात करें एमएसपी की, तो सरसों में 400 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिली है। पहले 4650 रुपये क्विंटल इसकी एमएसपी थी, अब देख रहे हैं 5050 रुपये क्विंटल हो गई है। तो रविंद्र जी, आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से सरकार ने किसानों को तोहफा दिया है, एमएसपी बढ़ाई है, किसानों की जो इनकम है उसमें इम्पैक्ट, इसमें तेजी आई है, तो क्या सरसों के बाजार में भी आगे जाके तेजी देखने को मिलेगी इससे? जी बिल्कुल, डिमांड इस टाइम पे जो डोमेस्टिक डिमांड है वो काफ़ी अच्छे से है इस टाइम पे इस कमोडिटी को लेके। इसी वजह से प्राइसेस जो है ये अपसाइड मूव कर रहे हैं और कैरी ओवर स्टॉक भी जो है वो कम हो रहा है। और उसी वजह से हम देख रहे हैं कि मस्टर्ड जो है ये कंटिन्यूएशन में एक स्लो पेस के साथ मूव कर रहा है अपर साइड में। और साथ साथ में हम देख रहे हैं कि टेक्निकल करेक्शन जहाँ चाहिए होती है वहाँ कमोडिटी टेक्निकल करेक्शन भी ले रही है। और इसी वजह से ये कमोडिटी जो है अभी तक इतना लंबा रैली लेने के बाद भी ओवरबॉट जोन में नहीं आई है, क्योंकि ये करेक्ट होके चल रहा है। और आने वाले दिनों में पहले भी मैंने बात करी थी कि 8800 से 9000 तक के लेवल इसमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटली सपोर्ट हो रहे हैं प्राइसेस। और ओवरऑल इस कमोडिटी में बाइंग की ही सलाह दी जा रही है, लेकिन 8400 के लेवल जो है ये सपोर्ट मान के चल सकते हैं। अगर 8400 के नीचे ये कमोडिटी स्लिप करती है तो सेलिंग देखने को मिलेगी। जी, तो यानी कि सरसों की कीमतों में अभी भी और तेजी देखने को मिल सकती है, जिस हिसाब से सरकार ने किसानों को तोहफा दिया है, और जो फंडामेंटल्स और टेक्निकल चार्ट्स भी यही कहते हैं कि सरसों की कीमतों में अभी जो तेजी है ये बरकरार रह सकती है, आगे भी जारी रह सकती है।